अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नूर सबाम। दोस्तों आप देखकर ही समझ गए होंगे कि मैंने आज क्या बनाया है, क्या आपके साथ शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चों को, बड़ों को, घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। आज मैंने बनाया है चिकन डोनट्स और मैंने इसे चार स्टेप में डिवाइड करके बनाया है, स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और ये बहुत आसानी से बन भी जाता है, बहुत कम वक्त में और घर के मौजूदा सामान में ये तैयार हो जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने लिया है, ये 300 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है ये। और इसी के साथ इसमें लगेगी ये 7 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हम इसे मिक्सर जार में ऐड करके अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कम्प्लीट। तो चलते हैं हम सेकेंड स्टेप की तरफ। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे पाउडर मसालों को। इसी के साथ इसमें जाएगा ये एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। और ये एक बड़ा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन, बोनलेस चिकन जो होता है वो काफ़ी रुखा होता है, इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी के साथ इसमें ऐड होगा ये एक कप ब्रेड क्रम्स है इसकी बाइंडिंग के लिए डोनट्स की। तो इसी के साथ इसमें जाएगा दोस्तों एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च क्रश की हुई या चिली फ्लेक्स जो भी है हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक हमारा ये जो डो तैयार हो गया है, ये इसी तरह से ड्राई होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया है कम्प्लीट। तो हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप शुरू करने से पहले हम अपने हाथों को तेल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम डोनट को शेप दें, इस चिकन को, डोनट्स का जब हम शेप दें तो ये हमारे हाथों में चिपके ना। तो इस तरह से हम इसे रोल करते हुए उंगली की मदद से इस तरह से बीच में हम इसे एक सुराख बना लेंगे और पीछे की तरफ भी पलट कर इसे अंगूठी की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे और इसे बीच में अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे डोनट्स का शेप दे दिया। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल इसे बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, एक टिक्किया बनाया और इसमें इस तरह से उंगली की मदद से सुराख किया, इसे बीच में से क्लियर कर लिया और फिर इस तरह से करते हुए पीछे भी पलट कर इस तरह से इसे एक शेप दे दिया। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें सभी डोनट्स तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप के लिए हम तैयार करेंगे डोनट्स की कोटिंग। डोनट्स की कोटिंग करने के लिए हमें लगेगा 2 अंडा। अंडे की कोटिंग होती है जो बहुत अच्छी होती है और फ्राई करने में ये बहुत ही सामान, जो मतलब हमारा जो भी हम चीज़ उसमें ऐड करके फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी कोटिंग देता है अंडा। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब नमक और ये आधा छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, सूखी लाल मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, दूसरी कोटिंग हम देंगे ब्रेड क्रम्स की। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बनाए हुए डोनट्स को, अंडे में इस तरह से डीप कर लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये अच्छी तरह से इसमें डीप हो गया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और जब हम ब्रेड क्रम्स इस पर ऐड करेंगे उसकी कोटिंग, तो ये बीच में भी जाकर जमा हो जाएगा। तो इस तरह से अंगूठे की मदद से या हम इसे क्लियर कर लेंगे इसके बीच के हिस्से को, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये एक हो गया तैयार।
इसी तरह से हम बाकी जो भी डोनट्स है उसको भी हम इसी तरह से अंडे में पहले डिप करके एक कोटिंग देंगे, फिर दूसरी कोटिंग ब्रेड क्रम से देंगे। ये दो कोटिंग देने का मकसद ये है कि तेल में फ्राई होने पर तेल में फूटे ना, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया तैयार हमारा कोट करके, तो हमें इसे इसी तरह से कोटिंग दे देना है और इस तरह से इसके बीच के हिस्से को क्लियर कर लेना है ताकि इसका जो शेप है वो बना रहे, बिगड़े ना डोनट्स का शेप। तो दोस्तों कुल मैंने 15 डोनट्स तैयार किया है 300 ग्राम चिकन में। और एक बात और दोस्तों, आप इसे फ्रीज़र में जब हमारा तैयार हो जाए तो हम इसे 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे, तो ये बहुत अच्छा फ्राई होता है। और आप इसे स्टोरेज कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए जिप लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर डब्बे में, बहुत अच्छी तरह से ये स्टोरेज हो जाता है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे 5th स्टेप की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तेल जब हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए और फ्लेम को हमें हाई रखना है तभी हम इसे गर्म तेल में ऐड करेंगे। तो दोस्तों एक के बाद एक हम इसे ऐड कर लेंगे। आप थोड़े तेल में भी 2 से 3 फ्राई कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा ऑयल लिया है जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा पीसेस फ्राई हो रही है, मतलब एक साथ मैं 8 पीसेस को फ्राई कर रही हूँ। तो दोस्तों 1 मिनट के बाद हमें इसे टर्न कर देना है। ये देखिए पीछे कितनी अच्छी तरह से ये पक गया है। इस तरह से हमें टर्न करके इसे फिर से 1 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो पीछे के हिस्से भी 1 मिनट में इसी तरह से पक जाए। और दोस्तों मैं हमेशा जैसा कि कहती हूँ कि जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसे थोड़ी थोड़े वक्फे पर टर्न करते रहना है, चलाते रहना है ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और अंदर भी अच्छी तरह से पक जाए और ऊपर की तरफ वो एक जैसा कलर ले ले, मतलब कहीं कम ज़्यादा ना रहे। तो जैसा कि उसी तरह से हमें इसे भी फ्राई कर लेना है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। तो दोस्तों ये बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसे बनाकर स्टोरेज भी कर सकते हैं ताकि आपके घर जब भी मेहमान आए तो आप ये रहने पर फ्राई करके उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमें इसे पलटते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से पका लेना है। अभी इसमें थोड़ी कसर और है, हमें थोड़ा और डार्क कलर चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये अच्छा डार्क कलर आ गया है। तो ये हो गया हमारा अच्छी तरह से फ्राई। तो इसी तरह से हमें बाकी जो डोनट्स है उसे भी फ्राई कर लेना है। देखिए कितना क्रंची बना है, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा डोनट्स हो गया फ्राई करके, ये कितना क्रंची बना है आपको इसकी आवाज़ से ही लग रहा होगा वाकई में। तो आप इसे हरी चटनी और मायोनीज के साथ खाइए, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर एक दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और क्रंची जो बनता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।